हाँ जी बच्चा पार्टी, आज मैं करने जा रहा हूँ वाटर टैप प्रॉब्लम। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें दिक्कत आती है कि जैसे कोई वाटर टैप है ना, तो उससे जब लिक्विड वाली ड्रॉप्स रेगुलर टाइम इंटरवल पर नीचे गिरती हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कभी ड्रॉप के बीच का सेपरेशन पूछते हैं, कभी एक पर्टिकुलर ड्रॉप होती है जैसे सेकेंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, उसके लिए तो इसको स्टार्ट कैसे करेगी। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ये कांस्टेंट एक्सिलरेशन से चल रही है, तो टैप वाली प्रॉब्लम करेंगे, फिर जगलर वाली प्रॉब्लम करेंगे और बलून राइजिंग वाली करेंगे। तीनों को अलग अलग डिवीजन में हम लोग डिस्कस करेंगे, पर तीनों में एक शर्त जो मैंने मानी हुई है कि एक्सिलरेशन थ्रू आउट द मोशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके, सपोज इफ आई टेक टाइम रेगुलर इंटरवल T1, इफ आई टेक 1 सेकेंड, तो वी कैन यूज वन इक्वेशन एस इक्वल UT प्लस हाफ AT2। अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि मैं 1 सेकेंड ले रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, आई एम सेइंग 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, मींस कंप्लीट सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है तो UT का वैल्यू जीरो होगा, एक्सिलरेशन a और 1 का स्क्वायर, तो जो S1 डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो a/2 होगा। इस a/2 की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मैं a0 मान लेता हूँ। ठीक, इसी टाइप से अगर मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट अगले 2 सेकेंड में कितना होगा, अब मैं 2 सेकेंड की बात करूं तो S2 इक्वल U तो जीरो है तो यहाँ पर a आएगा और 2 का आप स्क्वायर करोगे, तो जब 2 का स्क्वायर करोगे a/2 को मैंने ऑलरेडी a0 मान के रखा हुआ है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 4a0 आप बोल सकते हो या 2 स्क्वायर a0 बोल सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम और ऑर्डर पे जाएं और बोलें 3 सेकंड में बताइए, तो वी कैन से S3 इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उसको हम लेंगे नहीं, और 1/2 a और साथ में 3 का स्क्वायर। अब a/2 को मैं a0 मान चुका हूं तो ये आएगा 3 स्क्वायर a0। यहाँ पर इस ट्रेंड के बारे में सोचिए कि जब मैं 1 सेकेंड लेता हूं तो 1 का स्क्वायर आता है। इसी टाइप से अगर मैं Sn यानी n सेकेंड ले लूं तो n² a0 आ जाएगा। ये a0 क्या है, a/2 है हमें पता है। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रेवलिंग डिस्टेंस के ट्रेंड की बात करें तो हमारे पास, ध्यान से देखो, a0 को आप कॉमन ले सकते हो हर एक में, क्योंकि रेशियो निकालते टाइम कॉमन चीजें हम कैंसिल कर देते हैं, पता है। तो फर्स्ट हमारे पास आया a0, मैंने a0 को अगर मैं कॉमन करके यहाँ पे आप लोगों को समझाऊं, यानी a0 ना लिखूं, तो फर्स्ट में आएगा 1 और सेकंड में जो रेशियो मिलने वाला वो 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, इसी टाइप से 4 स्क्वायर और अप टू n² ये ट्रेंड चलेगा। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन से पार्टिकल मूव करेगा, तो जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर हम कर देंगे। साथ में अगर हम लोग इसी को कुछ कंपैरेटिवली यहाँ पर लें और मैं आपसे बोलूं कि ये देखिए एक हाई राइज बिल्डिंग है, देयर इज ए टावर है, एंड इफ आई ड्रॉप 1 बॉल विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी जहां से हम बॉल को फेंकते हैं साइन कन्वेक्शन में पढ़ा होगा, उस चीज को हम लेते हैं साइन ऑफ कन्वेक्शन के लिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जस्ट लाइक ए ओरिजन। और जब आप इसको ओरिजिन मानते हो तो पढ़ चुके हो कि ऊपर जाओगे तो प्लस, लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव, डाउन आओगे तो नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे H1 का वैल्यू बताइए, तो U तो आपका जीरो है प्लस हाफ GT² लिखोगे, तो ये देखिए हाफ आएगा और 1 का स्क्वायर आएगा। इसी टाइप से अगर मैं पूछूं कि मुझे 2 सेकेंड पर बताइए, तो आप बोलोगे S2 का वैल्यू, U तो आपका जीरो है, फिर से देखिए G और 2 का स्क्वायर आएगा। अगर इस हाफ जी की वैल्यू को कोई एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं, मान ले फिर से मान ले a0, तो a0 के साथ 1 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, a0 के साथ 2 का स्क्वायर, यानी यही ट्रेंड हमें यहाँ पर मिलने वाला है a0 n², तो मैं कह सकता हूँ कि जब पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जीरो से नीचे गिरेगा तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, इफ आई टेक n सेकेंड तो वी कैन राइट a n², यानी ये जो हाइट का चलना है इसके लिए हम अपना टाइम बचा सकते हैं। ए नॉट की वैल्यू यहाँ भी g/2 है और यहाँ पर a/2 है, तो दोनों ट्रेंड एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो हमें ये हमारे माइंड में हो, जगलर वाली प्रॉब्लम करनी हो या बलून की करनी हो या फिर हमें वॉटर टैप प्रॉब्लम्स करने हो, ये आइडिया हमारे दिमाग में चलना चाहिए टाइम बचाने के लिए। अब मान लो इसी के करेस्पॉन्डिंग अब मैं बात करूँ कि फिर से सेम क्वेश्चन लूँ और बोलूँ ये बॉडी है
इनिशियल वेलोसिटी जी से जा रही है, एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट है, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू टॉक कि सपोज मैं टाइम लेने चाह रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, nth सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ। nth का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि u प्लस हाफ ए, और बहुत जल्दी से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, 2n-1। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर हमने जीरो लिया हुआ है तो मैं यहाँ पर s1, u को लिखूंगा नहीं, 1/2a आएगा, और n का वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो 2 × 1-1 आएगा और ये वैल्यू आएगी a/2। इसी टाइप से अगर मैं अगले टाइम की बात करूं कि अब मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड लिया, अब मैं n का वैल्यू यहाँ पे लेना चाहता हूँ, मान लो सेकेंड सेकेंड। इस बात पे ध्यान रखना मैंने 2 सेकेंड नहीं बोला है, आई एम नॉट सेइंग 2 सेकेंड, आई एम सेइंग सेकेंड सेकेंड। तो अब जब सेकेंड की बात करोगे तो एस टू लिखोगे, हाफ ए एज इट इज रहेगा, और n की जगह अब आप वैल्यू डालोगे 2, तो यहाँ से ए बाई टू आपका मेंटेन है। अब ब्रैकेट में देखिए 3 आ रहा है। इसी टाइप से जब हम एस थ्री की बात करेंगे तो थर्ड सेकेंड लेंगे, आई एम नॉट सेइंग 3 सेकेंड, तो 1/2 a एज इट इज रहेगा, 2 × 3-1 करोगे तो ये आएगा 5 × a/2। अब यहां पर अगर हम ट्रेंड की बात करें, हम लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, ट्रेंड जानना चाह रहे हैं, तो जब nth सेकेंड की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और थ्रू आउट द मोशन एक्सिलेशन कॉन्स्टेंट हो, तो ट्रेवल डिस्टेंस का जो रेशियो हमारे साथ निकल के आएगा वो देखिए a/2, यहाँ से 3 × a/2, यहाँ 5 × a/2, यानी रेशियो का ट्रेंड आ रहा है 1:3:5। ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पे हम रेगुलर इंटरवल में चीजों को डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल की जाएगी, अगर मैं मानूं वो x है, तो दूसरी वाली जो डिस्टेंस हमारे पास निकलेगी वो 3x आएगी, और उसके आगे जाएंगे तो वो 5x आएगी। ये एक ट्रेंड हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसी टाइप से अगर हम सेम चीज को मोशन अंडर ग्रेविटी में ले जाके हम लोग बात करेंगे, यहां से यहां तक की बात करोगे, तो फिर से देखिए u जीरो हो गया। फर्क क्या है कि यहां पर एक्सीलरेशन आपको दिया जाएगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर ड्रॉपिंग वाला केस है और आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रेस्ट में है तो हम u जीरो ले सकते हैं। एक्सीलरेशन यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं दिया जाएगा 9.8 ले लो, और अगर दिया जाए तो 10 ले लो। तो जब फिर से अगर मैं h1 सॉल्व करूं तो इक्वेशन यही होगी, हाफ ए 2n-1, ए विल बी रिप्लेस बाई जी। और एक चीज ध्यान रखना है कि जहां से बॉल हमारी चलती है वो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन बन जाता है, और ओरिजिन के अकॉर्डिंग जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा h1 भी निगेटिव होगा, u का वैल्यू जीरो होगा, और इस फॉर्मूले में है प्लस, तो हम लोग लिखेंगे प्लस हाफ। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि नीचे हमेशा लगता है, तो साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग जो मैंने माना है कि मैं अपवर्ड चीजों को पॉजिटिव लूंगा, एंड आई विल टेक नेगेटिव साइन इफ बॉडी और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये माइनस जी, और इसके साथ जब यहाँ 2n-1 करोगे तो 2 × 1-1, यानी ट्रेंड पर ध्यान दें तो ये माइनस और ये माइनस फिर कैंसिल होगा, और h1 की वैल्यू g/2 के साथ यहाँ पर जो आने वाली है वो 1 आएगी। इसी टाइप से अगर हम सेकेंड सेकेंड की बात करेंगे तो 2n-1 में जब वैल्यू डालोगे तो फिर ये g/2 होगी, 2 × 2-1 करोगे तो यहाँ से देखोगे g/2 × 3 मिलने वाला है। इसी टाइप से अगर nth के ट्रेंड पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे hn का जो वैल्यू निकलेगा वो g/2 होगा और 2n-1 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो hn हाइट कवर होगी वो 2n-1 वाले ट्रेंड पर होगी। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं hn प्रोपोर्शनल टू 2n-1, यानी 1:3:5 का रेशियो यहाँ भी होगा। तो इसी टाइप से ये डिस्टेंस भी जो ट्रेवल करती है वो 2n-1 के रेशियो पे जाती है, और जब हम 1, 2, 3, 4 सेकेंड लेते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग n स्क्वायर वाले ट्रेंड पे डालेंगे। तो मैंने अभी जल्दी जल्दी आप लोगों को सिर्फ ये समझाया है कि इफ बॉडी इज स्टार्टिंग मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड इफ एक्सेलरेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, देन इफ यू आर लुकिंग टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, देन 1² 2² 3² ट्रेंड विल फॉलो। बट वेन यू विल कैलकुलेट फॉर nth सेकेंड इन द केस ऑफ फ्री फॉल और स्टार्टिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, देन यू विल फॉलो द ट्रेंड 1:3:5।
एंड 135 क्या है, डिस्टेंस जो कवर होगा उसका ट्रेंड है, और जो वहां पर सॉल्व कर रहे थे वो भी वही ट्रेंड है, ये कोई वेलोसिटी का ट्रेंड नहीं है। अब हमारा जो मेन पर्पस है वो है ड्रॉप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अब इसके बाद यहाँ से जो हम क्वेश्चन पहला लेंगे वो एससी वर्मा एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर। देखो अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिया एससी वर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 26, और उस प्रॉब्लम में बोला गया है कि एक पर्सन है सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग। तो जैसा ये बोलता जाता है वैसा काम हम लोग करते जाते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि टॉल ऑफ ए बिल्डिंग, यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ओके। टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद ये एक बॉल को छोड़ देता है। फाइंड द पोजिशन ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। अब देखना, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सिक्स बॉल यहाँ से ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब है कि फिफ्थ बॉल यहाँ पे कहीं होगी, इसका मतलब है कि जो फोर्थ है वो यहाँ पे कहीं होगी, इसका मीनिंग है कि थर्ड यहाँ पे कहीं होगी और सेकंड यहाँ पर होगी, और जो फर्स्ट है वो यहाँ पे कितनी नीचे जाएगी, हाइट से रिलेटेड यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। अब मान लो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए थोड़ा इस टाइप से सोचना। देखिए कंफ्यूजन कहाँ आता है वो देखना बच्चों, जब ये बॉल फेंकना स्टार्ट किया गया होगा टाइम तो तभी से काउंट किया होगा, तो मैं ये मान लेता हूं कि N1 का मतलब है मेरा फर्स्ट बॉल से, और जब ये ड्रॉप की गई तभी हमने टाइम की काउंटिंग स्टार्ट की। तो टाइम टी इक्वल जीरो पर पहली बॉल, N इक्वल टू का मतलब सेकेंड बॉल जब हमने थ्रो किया एज पर द क्वेश्चन हम 1 सेकेंड में ही ड्रॉप करेंगे जैसा वो पर्सन कर रहा है, तो यहाँ 1 सेकेंड आएगा। इसी टाइप से जब थर्ड बॉल आप लोगे तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड आएगी। इसी टाइप से जब बात करोगे कि बॉल नंबर 4 जा रही है तो टाइम कितना होगा, 3 सेकेंड। जब हमने बॉल नंबर 5 को ड्रॉप किया तो टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड, और जब बॉल नंबर 6 का नंबर आया तो टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड। इस टाइप से बॉल को छोड़ते हुए हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, पहली बॉल 0 सेकेंड पे, दूसरी 1 पर, तीसरी सेकेंड पर, फोर्थ बॉल 3rd सेकेंड पे, फिफ्थ बॉल 4 सेकेंड पे, 5 सेकेंड होगा। तो जो 6 नंबर वाली बॉल है वो कब छोड़ रहे हो, 5 सेकेंड पे। अब बॉल का जर्नी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब हमें ऐसे नहीं सोचना है, गलती यहीं पर हो जाती है। गलती क्या है, इसको ऐसे नहीं देखना है। ये वो टाइम है जब इस पर्सन ने बॉल को ड्रॉप किया, पहली बॉल जब उसने रिलीज की तो टाइम वहीं से देखना स्टार्ट किया। अब जरा इसको अलग टाइप से सोच के देखो और पूरा क्वेश्चन सामने आ जाएगा। जब 6th बॉल, इसके बाद 5th, उसके बाद 4th, फिर से लिखो एक बार 3rd, फिर आएगा 2nd और फिर आएगा 1st, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये बताओ, ये वो टाइम है जब उसने छोड़ा, यानी 6th बॉल जब छोड़ने जा रही थी उस टाइम तक जो बॉल नंबर 1 है वो कितनी देर हवा में रह चुकी है। तो आंसर है 5 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 6th बॉल जब आप छोड़ रहे हो। अब उल्टा देखो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब हमने पहली बॉल को ड्रॉप किया उस समय अपनी घड़ी को देखा, मान लीजिए शाम के 7 बजे थे, दूसरी 7:01, दूसरी 2 सेकेंड पे, तीसरी 3 सेकेंड पे, और जब 6th बॉल छोड़ने का नंबर आया तो टाइम हुआ 5 सेकेंड। यानी जो पहली वाली बॉल हम यहाँ छोड़ चुके हैं इसको कितना टाइम लग चुका है हवा में चलते चलते, तो आंसर है 5 सेकेंड। इसी टाइप से जो सेकेंड वाली बॉल है वो हवा में कितनी देर चल चुकी है, तो आंसर है 4 सेकेंड। जो आपकी 3rd बॉल है वो कितनी है, 3 सेकेंड। जो 4th बॉल है वो हवा में कितनी देर ट्रेवल कर चुकी है, तो उसका आंसर है 2 सेकेंड। जो 5th बॉल है वो अभी एयर में कितना ट्रेवल की है, 1 सेकेंड, और 6th वाले इस पे आ गया 0। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब यहां से देखिए, ये पूरा ट्रेंड एकदम क्लियर है, मैंने पूरी तरह समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गया कि पहली वाली बॉल को रिलीज किए हुए 5 सेकेंड हो चुके हैं, दूसरी को 4 हो चुके हैं, 3rd को 3 सेकेंड, 4th को 2 सेकेंड, 5th को 1 सेकेंड, और 6th को अभी छोड़ा जाना है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि 3rd, 4th और 5th की पोजीशंस बताइए। तो अगर हमें इनकी सबकी पोजीशंस बतानी है तो उसके लिए हम बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे,
मान लो मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो एंड पार्टिकल इज गोइंग टू मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ द डिस्टेंस। तो ट्रेंड वॉज क्या था, वो ट्रेंड हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सॉल्व किया था, जो बताया था उसी ट्रेंड का हम यूज करेंगे। एन स्क्वायर के साथ ये प्रोपोर्शनल वाला साइन यहाँ पे चल रहा था, तो उसी को हम यूज करेंगे। एक बार लिख के बता देते हैं कि ये जीरो होगा, हाफ होगा, जी होगा और टी स्क्वायर होगा। तो ट्रेंड हमारा जो हमने बनाया था वो ए नॉट एन स्क्वायर था, जिसमें मैंने ए नॉट की वैल्यू को क्या लिया हुआ था, ए बाई टू, बट यहाँ एक्सिलरेशन ऑलरेडी गिवन है और वो है जी। तो जी का वैल्यू होता है 10, और कौन सी बॉल की हम बात करने जा रहे हैं, थर्ड बॉल की। तो थर्ड के लिए यहाँ पे चेक करो टाइम कितना लगता है, फोर्थ के लिए 2 सेकेंड और थर्ड के लिए ये देखो लिखा हुआ है 3 सेकेंड, फर्स्ट के लिए 5, सेकेंड के लिए 4, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 2, फिफ्थ के लिए 1, ये फिर से। तो यहाँ लिखोगे 3 स्क्वायर तो 9 होगा। और ये एक चीज है, जी का वैल्यू जब हम 10 लेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, क्यों, क्योंकि जो ए नॉट का वैल्यू मैंने डिसाइड किया था लास्ट वाले लास्ट बोर्ड के डिस्कशन में वो जी बाई 2 था। तो यहाँ से मिलेगा आपको 5, तो ये कितनी डिस्टेंस पर आएगी, 45 मीटर पे। आगे आंसर इसी टाइप से, मान लो इसमें पूछा गया था कि अब बताइए फोर्थ का क्या होगा, तब आपकी स्पीड बन जाएगी 4 लिखोगे और 2, 10 बाई 2 का मतलब 5, तो क्या हम इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, 5n स्क्वायर, तो 5। अब फोर्थ बॉल का टाइम देखिए, 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी, 20 मीटर पर। इसी टाइप से अब हम लोगों से पूछा गया फिफ्थ का पोजीशन बताइए, तो H5 लिखेंगे तो 5 तो रहेगा, टाइम n स्क्वायर, n का वैल्यू फिफ्थ बॉल के लिए 1 लेना है, 1 रखोगे तो ये आएगा 5 मीटर। बट बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने पोजीशंस निकाले हैं 45 मीटर, बट कहाँ से, क्योंकि अपना जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है जहां पे पर्सन बैठा हुआ है। तो ये जो 45 मीटर आया है ये टॉप पोजीशन से आया है, ग्राउंड से निकालना है तो उसके लिए हमें पूरी हाइट का मालूम होना जरूरी है। ये 20 कहाँ से आया है, टॉप से, ये 5 मीटर कहाँ पर आया है, टॉप से आया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा वेरिएशन और कर दिया जाए, मान लो इसमें ये पूछा जाए कि इनकी, मान लो इसमें यहाँ तो नहीं पूछा है, नया क्वेश्चन कोई बना दे और वो बच्चों से ये पूछे कि बेटा ये बताओ H3 और H4 में इस समय क्या क्या डिस्टेंस है आपस में, मतलब इस टाइम पर 3 और 4 के बीच का गैपिंग कितना है अगर 1 सेकंड के रेगुलर इंटरवल पे छोड़ा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना है H3 ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा क्योंकि उसको हवा में रहते हुए टाइम ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू 4। और यहाँ दिख भी रहा है कि जो H3 का वैल्यू है वो 45 मीटर है और जो H4 का वैल्यू है वो 20 है। तो फ्रॉम टॉप ये 25 मीटर का गैपिंग इनके बीच में होगा। इसी टाइप से अगर मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि बच्चों मुझे ये बताओ 4 और 5 के बीच का गैपिंग क्या है, तो अब 5 को 1 सेकंड हुआ है चले हुए और जो 4 है उसको टाइम 2 सेकंड हो गए, तो दोनों को माइनस करो। तो यहाँ से अगर मैं H4 की वैल्यू लिखूंगा तो 20 आएगी, 5 का 5 तो ये कितना चला है, 15 मीटर। अब यहाँ पे इस टाइप से हम पोजीशंस को भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये इसका एक मेथड था कि हम अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं। मान लो इसी में कोई आपसे बोलने लग जाए कि यहाँ से ऐसे चलिए और इस समय जो टोटल नंबर बॉल है वो 10 रखी हुई है, और हम लोगों से ये पूछा गया कि ये बताओ जब यहाँ से 10th बॉल रिलीज होती है तो अब देखिए यहाँ से 1, 2 यहाँ होगी, 3 यहाँ होगी, 4 यहाँ पर होगी, फिर 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। बच्चों ज्यादा बॉलें हो गई, थोड़ी कम कर लेते हैं, समझ नहीं तो है, चलो 7 बॉल मैंने कर ली। अब ये बताओ पहली बॉल को जब छोड़ा गया होगा तो टाइम 0 लिया गया होगा, है ना। तो अब इसमें ये बताओ पहली का 0, दूसरे का कितना होगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, पहले का 0, दूसरी का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3, पांचवें का 4, छठे का 5 और इसका यहाँ पे 6। यानी ये मैंने क्या किया, 1 2 3 4 6 करके मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब आप 7th बॉल को छोड़ रहे होगे, when 7th बॉल इज लीविंग फ्रॉम द टॉप पोजीशन, देन फर्स्ट बॉल कितना टाइम एयर में ट्रेवल कर चुकी है, मुझे ये जानना है, तो वो आंसर होगा 6 सेकंड, 6 सेकंड वो ट्रेवल कर चुकी है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे किसी ने पूछा कि ये बताओ H4 बॉल का क्या पोजीशन है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि 5n स्क्वायर हमें लिखना है,
फाइव को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जरूरत किसकी है? टाइम की। कौन से के लिए मैंने पूछा है? फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए टाइम क्या होगा? ट्रेंड देख रहे हो, एक कम आ रहा है, जब वन है तो जीरो। और टू पे क्या मान, टू पे क्या लेना है? हवा में कितनी देर कौन चला है? तो वन बॉल 5 सेकेंड ट्रेवल कर चुकी है, सेकेंड 4 कर चुकी है, थर्ड 3 कर चुकी है। तो इसी टाइप से पूरा हो, यहाँ पे हम काउंटिंग करते आएंगे। अब मुझे ये बताना है कि 4 बॉल ने कितना ट्रेंड किया होगा? 3 सेकेंड। तो यहाँ पे 3 रख दो, ये लो, तो कितना आ गया? ये लो 45 मीटर आ गया। अब इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमने जल्दी में कहीं गलत तो नहीं कर दिया, तो कैसे जानोगे? बड़ा सिंपल है। यहां से पहली बॉल 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो ऊपर से भी काउंट कर सकते हैं और इधर से भी हम काउंट कर सकते हैं। अब इसी में 4 निकाला, फिर 5 निकाल दो, फिर 6 निकाल दो, 7 निकाल दो। अब सडनली मान लो किसी ने पूछा, अच्छा 6 का बताओ, तो हमारे पास ट्रेंड है 5n2। 5 का वैल्यू हो गया, n1 हो गया, तो ये 5 मीटर हो गया। अब किसी ने पूछा कि ये बताओ यहाँ से h4 और h6 के बीच में क्या सेपरेशन है? तो h4 का वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, 45 है। इसका वैल्यू कितना है? 5 है। कितना आ गया? 40 मीटर का गैप आ गया कि नहीं आ गया? तो इस टाइप से ये वाले। अब इसमें एक ट्रिक और देखो, अगले वो। अब बच्चों इसमें देखो, एक ये अलग से क्वेश्चन मैंने बनाया है और इसमें एक वाटर टैप है। ये यहाँ पे फर्क क्या है इस क्वेश्चन की थ्योरी? ये है कि टोटल नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स आर 4, और जो एक वाटर टैप से टिप टिप करके रेगुलर इंटरवल पे जा रहे हैं, 1 सेकंड का इनका टाइम इंटरवल है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। यानी डेल्टा टी जो मैं दे रहा हूँ टाइम इंटरवल ड्रॉपिंग होने का, वो 1 सेकंड है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि व्हेन फोर्थ ड्रॉप लीविंग द टैप एट दैट टाइम फर्स्ट ड्रॉप टचिंग द ग्राउंड, देन टेल हाउ हाई इज दैट थर्ड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। मतलब वाटर टैप से ग्राउंड तक का जो हाइट है वो 9 मीटर का है, और जिस टाइम पर फोर्थ ड्रॉप टैप को छोड़ेगी उस टाइम पर फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच करेगी। तो बताइए थर्ड ड्रॉप का पोजीशन क्या है या वो कितनी हाइट पर है। तो अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पहला है डिस्कशन वाला और दूसरी होगी ट्रिक। तो ध्यान से सुनना। अब ये बताओ, जब यहाँ से आएगी तो इसका मतलब ये है कि थर्ड ड्रॉप यहाँ पे कहीं होगी और जो हमारी सेकेंड वाली ड्रॉप है वो यहाँ पे कहीं होगी। हमने अभी जब ये स्टार्ट किया था तो आप लोगों को एक ट्रेंड बताया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड यू आर लुकिंग टू सॉल्व nth सेकेंड, तो व्हाट विल बी द ट्रेंड? तो ट्रेंड वाज दिस 2n-1। यानी जो रेशियो आता है इस हाइट के ट्रेवल करने का वो 135 आएगा, है ना। अब हम ये मानते हैं कि जब फोर्थ ड्रॉप हो रही है तो 4 और थर्ड के बीच में जो इनके बीच का गैपिंग है उसको मान लो कि वो x डिस्टेंस चला, तो थर्ड और सेकंड के बीच का जो होगा वो 3x होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेशियो है 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, और थर्ड और फर्स्ट के बीच का जो गैप होगा वो 5x होगा। अब यहां से आप पिक कर सकते हो कि टोटल कितना है। मुझे बात करनी है थर्ड वाले की, तो थर्ड आपका ये है। तो अब मैं ग्राउंड से जा रहा हूं, तो ग्राउंड से ऊपर गया 5x तो मुझे मिली सेकंड, फिर मैंने इसमें 3x ऐड कर दिया तो मुझे मिला थर्ड। अब ये 5 प्लस 3x की जो वैल्यू है ये टोटल आएगी 8x। ये पोजीशन है फ्रॉम द ग्राउंड। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे कोई x का वैल्यू बता दे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करिए, ग्राउंड से लेकर फोर्थ ड्रॉप तक चलिए, तो देखिए 5x है, उसके बाद 3x है, फिर आगे जाएंगे तो x मिलेगा, और ये जो टोटल हाइट है वो क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि 9 मीटर है, तो मैंने यहाँ 9 लिख दिया। अब इन सबको ऐड करो, तो 5 3 + 1 यानी 9x, तो ये 9 आया, यानी x का वैल्यू आ गया 1 मीटर। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी थर्ड बॉल की पोजीशन है फ्रॉम ग्राउंड h3, और इसमें ये गलती नहीं करनी है, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? ग्राउंड से। तो x का वैल्यू मेरे पास 1 है, 8x आया हुआ था, तो 8 × 1 क्या पोजीशन आ गई? 8 मीटर। अब अगर मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा घुमा के पूछूं कि टॉप से बताइए, तो टोटल 9 है, बॉटम से 8 है, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो एक तो ये मेथड इसको हम सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में एक मेथड मैं और बताऊंगा। अब वो मेथड क्या है देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आप टाइम बचाना चाहते हो
तो पहले क्या करो, इसमें देखना मैं वैल्यूज क्या ले रहा हूं और कहां पे क्या डाल रहा हूं। ये मैंने टोटल हाइट यहाँ पे लिया h, और मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स n है, मान लो 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी हो सकती है, तो n ड्रॉप्स है। और वी आर लुकिंग टू नो द पोजिशन आर एथ ड्रॉप, आर नंबर वाली ड्रॉप की पोजिशन मैं जानना चाहता हूँ। तो फ्रॉम टॉप डिस्टेंस का ध्यान रखना, मैंने एच आर यहां से ले लिया। मैंने जो एच आर लिया है वो बॉटम से नहीं लिया है, टॉप पॉइंट से लिया है, मतलब टैप से लिया है। तो ग्राउंड से अगर मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी तो एच माइनस एच आर होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ट्रिक क्या है, आप बस एक फॉर्मूला ध्यान रखो कि एच आर अगर पोजिशन जानना है तो एन माइनस आर एन माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एच। अब ये देखिए क्या करेगा, यानी एन है टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर, फोर। कौन सी ड्रॉप की पोजीशन आप जानना चाह रहे थे अपने क्वेश्चन में, तो आंसर था थर्ड का, तो आर का वैल्यू हो गया 3। यहाँ पर लिखोगे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। एच यहाँ पर क्या है, टोटल हाइट टैप टैप टू द ग्राउंड, और वो कितनी दिया हुआ था, 9 मीटर। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, जब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 में से 3 जाएगा 1, और नीचे 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 इसके स्क्वायर से कट जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मीटर। पर ये 1 मीटर आया कहाँ से, फ्रॉम द टॉप। तो फिर एच माइनस एच आर कितना होगा, टोटल हाइट 9, ऊपर से आया 1, तो आंसर फिर आ गया 1 मीटर। मतलब इस क्वेश्चन को करने से हमें कितने फायदे हैं, जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे बना के दे दिया जाए ऐसे, और यहाँ से ये बोल दिया जाए कि मान लो रेंडमली डेटा में ले लेता हूँ कि 45 मीटर है, ठीक, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स 5 है ऐसे, और ये कहा जाता है कि जब इस वाटर टैप से 5th ड्रॉप टैप को लीप करेगी और उस टैप पर जो फर्स्ट वाली ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच करेगी, तो बताइए 3rd ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी, मे बी फ्रॉम द ग्राउंड मे बी फ्रॉम द टैप। तो हम इसमें क्या करेंगे, एच आर एन माइनस आर एन माइनस वन स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स मैंने कितने बोले हैं, 5, किसका बताना है, 3 का, 5 माइनस 1 करो, स्क्वायर करो, और टोटल हाइट थी आपके पास 45। तो यहाँ से देखिए ये 4 होगा, यहाँ से ये 16 आएगा, क्योंकि 5 में से 3 गया तो 2, और 5 में से बन गया तो 4, और इंटू 45, ये देखिए, तो ये आ गया 45/4 मीटर। बट ये ध्यान रखना है कि ये टॉप से आया हुआ है, अगर बॉटम से चाहिए तो 45 में से ये वैल्यू माइनस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन अब हम मैं लेने जा रहा हूँ वो थोड़े अलग सेक्शन में करूंगा, छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा, जिससे जो बच्चे जिस टाइप के डाउट फील कर रहे हैं मैं उसी की बात करूँ। तो अभी हमने किया वाटर टैप को लेके, अब अगला करेंगे जगलर बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें वो हाथ में बॉल लेके जो नचाता है, 5 बॉल 6 बॉल उस टाइप के क्वेश्चन। ओके।